चेष्टा भी सो कर उठाऊ। सो इतना एक्सपेक्ट मत करना कि ऐसा क्यों दिख रहा हो। देखो यार आज ना कुछ मार्केट में ऐसे मूव्स आए ना कि यार पूरी जिंदगी में मैंने जब से ट्रेड कर रहा हूँ ना अब तक ऐसे मूव नहीं देख रहे थे। आपको बता दूँ कि आज सुबह मैंने जब स्टार्ट किया था ना लगभग 20,000 के कैपिटल से, आज देखिए जो हर रोज लगभग इस मंथ 20,000 के कैपिटल से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि स्टार्ट किया था लगभग मेरे ख्याल से 150% का रिटर्न इजिली बन गया था। इजिली नहीं मतलब कि हाँ बट बन गया था, बट उसके बाद ना मेरी गलती मानो या फिर मार्केट था ही ऐसा, आज लगभग संडे से मंडे से मार्केट में मूव्स ही ऐसे आ रहे, 1,000 पॉइंट की मूव्स इधर आ रहे तो उधर आ रहे, कोई पैसा बना रहा है कोई पूरा गवा रहा है, ऐसा ही हो रहा है सब कुछ। कोई इतना बना रहा है कि जस्ट एक ही दिन में कैपिटल डबल 3-4 पॉइंट ऐसा हो रहा है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, देखा तो आपको इसलिए, बट एक बहुत बड़ी गलती की वजह से ना जो प्रॉफिट जो लिया ना वो हाथ में नहीं आ पाया। सिर्फ देखा हाँ मार्केट में देखा 1 पॉइंट तो 18 का प्रीमियम 112 चला गया था जो मैंने 12 पे उठाया था, बट सिर्फ एक सेकंड में मैंने 12 पे उठा करके 6 में सेल कर दिया, 6 में सेल कर दिया लगभग 18,000 के लॉस में। तब ओवरऑल मेरा 33,000 का प्रॉफिट चल रहा था, 20,000 पे 33,000 का प्रॉफिट चल रहा था, यानी लगभग 150% का रिटर्न चल रहा था। बट वो वहाँ पे गलती क्या हो गई, बोला था ना लालच, वहाँ पे लगभग 24,000 दिखा था मैं मोबाइल में पूरा 23,000 पूरा इन्वेस्ट कर दिया और हीरो जीरो में, और भाई डायरेक्शन गलत नहीं थी बट हीरो जीरो का तो पता ही होगा ना, जस्ट इतनी सी कैंडल फॉर्म हुई, इतनी सी कैंडल, और वो 12 का प्रीमियम कितने पे आ गया, 12 का प्रीमियम 6 पे आ गया, और 6 पे एग्जिट कर दी पोजीशन, और जस्ट पोजीशन एग्जिट करते ही अगले एक मिनट भी नहीं कह सकते 5 सेकंड में मार्केट में जो आज मूव आया ना वो मूव आना स्टार्ट हो गया, और जो प्रीमियम इतने लगातार बढ़ता गया कि वो 12 का प्रीमियम 170 तक जाके आ गया था। डिसाइड कर लो बस 5 मिनट वेट किया होता सो क्या होता, और उसके चक्कर में उसमें तो 18,000 का स्टॉप लॉस गया, कितना गया 18,000 का स्टॉप लॉस गया उसके चक्कर में, और भी और ये पूरा खराब हो गया, पूरी ओवर ट्रेड। लाइक मार्केट का तो पता नहीं होगा ना यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे जाएगा, हम डिसाइड किससे करते हैं, लेवल से करते हैं, बट लेवल्स गई तेल लेने बस उस एक लॉस की वजह से आज भाई जो पूरा प्रॉफिट आया था ना हाथ में, सिर्फ ये जो प्रॉफिट है ना ऐसा मार्केट में दिखाया सब ले गया, और आज का जो ओवरऑल डे है सब ले गया भाई, ऐसा मार्केट में आज तक नहीं देखा था यार। और ओवरऑल डे आज क्लोज करो लगभग 6,000 दिख रहा है क्या, 6,000 के प्रॉफिट में, यहाँ पे क्रीन शॉट लगा दूंगा, ओवरऑल डे क्लोज कराओ 6,000 के प्रॉफिट में, बड़े इजिली 40,000-50,000 आज चला जाते यार, बस एक गलती नहीं की थी। और अगर वो ट्रेड एक सेकंड में कभी गलती नहीं की होती ना, एक सेकंड में, या फिर वहाँ पे 18,000 ऑलरेडी लॉस किया था ना, 33,000 वैसे भी प्रॉफिट में ना, और 2,000 का लॉस एक्सेप्ट किया होता ना, भाई उस ट्रेड में इजिली 1.5 लाख बन जाते सिर्फ 5 मिनट में एक ट्रेड में, जाने लो आज तो भाई सभी के लॉसेस के क्रीन शॉट ही आ रहे हैं। वैसे आप बताओ ना आपका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस, आज वैलेंटाइन डे पे मार्केट में पूरा वैलेंटाइन डे बना है यार बहुत तगड़ा, बट आज इस बात से दुख नहीं हो रहा कि भाई 33,000 का प्रॉफिट 6,000 के प्रॉफिट में क्लोज किया ओनली, बात इस बात का हो रहा है कि लाइफ, दुख इस बात का हो रहा है कि लाइफ की जो सबसे बड़ी ट्रेड थी ना वो ट्रेड छूट गई है हाथ से। ये देखो ये वाली स्क्रीन रिकॉर्डिंग की स्क्रीन लगा दूंगा, ये वाली 18,000 का एक ही में लॉस है, बाइंग प्राइस 18 पे उठाया था जो 12 पे दिख रहा था, 18 उठाते 18 तक चला गया, और उठाने के बाद जस्ट उसमें 18,000 का लॉस 6 पर सेल कर दिया, और जस्ट सेल करने के बाद मार्केट बूम जो 120 चला गया था, इजिली 120 चला गया था। तो आज का डे आपका बताना, और कैसे हुआ ओके ना, क्यों हुआ और कैसे हुआ ये जानना बहुत जरूरी है। आज की ट्रेड देखो ना, ट्रेड बहुत ओवर ट्रेडिंग, इतनी ओवर ट्रेडिंग कि भाई उसमें जितना प्रॉफिट आया ना 6,000 का, उसमें लगभग 1,200 का तो ब्रोकरेज होगा, धन में इतना कम ब्रोकरेज फिर भी इतना ज़्यादा ब्रोकरेज होगा, और ये इसमें कुछ मत जाना, ये सेटअप बना रहा हूँ इसलिए जस्ट मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, लॉन्ग वीडियो डालना चाहिए, क्योंकि आज का डे ना भाई लाइफ का एक बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता है आज, और लॉस भी देखने को मिलता, बट फाइनली कुछ नहीं यार, लॉस में तो क्लोज नहीं किया, सो
यू विल बी हैप्पी। कैसे भी 25% प्रॉफिट तो कैपिटल का निकाला था, ये इंपॉर्टेंट है। और मार्केट देता है यार, हर टाइम मार्केट हर किसी को देता है, पर जो वो एट द एंड लेके जाता है ना उसको भी प्रॉफिट देता है, ना सही होता है। और मेरे को नहीं लगता कि आज बहुत सर किसी ने पैसे बनाए होंगे, क्योंकि आज मार्केट में मुँह बहुत तगड़े आए। और मेरा बताऊँ क्या, जब मेरा साइकोलॉजी किसे खराब हुई, जब मैंने वो जो 18,000 पे 9,000 का लॉस खाया ना, सॉरी 24,000 पे 18,000 का लॉस खाया ना, उसके बाद मार्केट जस्ट मूव कर रहा था, मेरे को दिख रहा था ना, उसके बाद लाइक से का प्रीमियम 60 चला गया, 62 चला गया, मैं वहाँ पे भी एंट्री ले सकता था, बट वो मेरा वहाँ पे पूरी जो साइकोलॉजी थी फुल डैमेज हो गई। मैं वहाँ पे कैंडलस्टिक भी नहीं देख रहा था, प्राइस एक्शन भी नहीं देख रहा था, कुछ नहीं देख रहा था, बस ये देख रहा था भाई मार्केट इतना ऊपर गया, अब नीचे आएगा। और मैं पुट की ट्रेड लेने की सोच रहा था, होप मानो कि मैंने ट्रेड नहीं ली, नहीं तो 6,000 भी चले गए होते। जान लो आज सबक बहुत अच्छा मिला। मार्केट किसी का मोहताज नहीं है, जान दो। आप लाइक कर दो चैनल को, और ये जो सेटअप बना रहा हो एक पीसीबी से सब एक अच्छा सेटअप, सिंपल सेटअप बना रहा हूँ जिसका एक लॉन्ग वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, और इसलिए सब्सक्राइब कर देना, ओके सब्सक्राइब कर देना। और आज आपका डे कैसा गया, प्रॉफिट में गया या फिर लॉस में गया, कमेंट में बता देना, एक लाइक जरूर कर देना। बाय बाय।